नमस्कार, मैं हूं मनिंदर कौर। स्पिरिट ऑफ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालें आज की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही ईद अल अधा। ईद पर कोई दिक्कत ना हो इसलिए प्रशासन ने घरों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए किया प्रबंध। कश्मीर में घुसे जैश ए आतंकी, ईद या स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा हमला करने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक जैश आतंकवादियों ने बनिहाल के पीर पंचाल से किया प्रवेश। नजरबंदी के दौरान भिड़े ओमर और महबूबा, एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। बहस के दौरान ओमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती मोहम्मद सैयद पर भाजपा से 2015 और 2018 में गठबंधन करने का जड़ा ताना। लद्दाख सीमा के पास पाकिस्तान तैनात कर रहा है अपने लड़ाकू जेट विमान। पाकिस्तान की इस नापाक साजिश पर है सेना की कड़ी नजर। श्रीनगर में व्यापारियों को लगभग 1,000 करोड़ की चंपत। प्रतिदिन हो रहा करीब 175 करोड़ रुपए का नुकसान। पाकिस्तान ने भारत से ईद की मिठाई लेने से किया इनकार। हुसैनीवाला बॉर्डर पर भी न मिठाई ली गई और न ही दी गई।